रतलाम रेलवे स्टेशन पर खुलेआम एक बार फिर गुंडागर्दी सामने आई। यहां पर दो यात्रियों के साथ दो बदमाशों ने खुलेआम लात घूंसे से मारपीट करने और चाकू से हमला करने का प्रयास किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। दरअसल रविवार शाम प्लेटफॉर्म 2 से लगे सर्कुलेटिंग एरिया में अचानक दो बदमाश यात्रियों को पकड़कर मारपीट कर चाकू मारने लगे। मारपीट के वीडियो में दोनों बदमाश यात्रियों को पकड़कर चाकू लेकर मारते हुए दिख रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने आरपीएफ को इसकी सूचना दी, जिसके बाद आरपीएफ ने युवकों को पकड़कर जीआरपी के हवाले किया। एक आरोपी के पास से पुलिस ने चाकू बरामद किया है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में आरोपियों ने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद स्थिति साफ हो गई। फिलहाल पुलिस दोनों बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगालने में जुट गई है। घटनाक्रम 6:30-7 बजे की बात है, तो उसमें दो लोगों के द्वारा उत्पात चाकू लेकर उत्पात मचाने की बात हुई थी, तो तत्काल उसको आरपीएफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। इसमें से इमरान जो कि अलीराजपुर का रहना है, जिससे एक चाकू बरामद हुआ है, और सद्दाम खरगोन का रहने वाला, दोनों ये यहाँ से अजमेर जाने के लिए आए थे, और विंडो खिड़की की वहाँ पर लाइन लगने की बात से दूसरे सहयात्रियों से वाद विवाद हुआ था, और ये अभी नशे में भी थे, तो इनका मेडिकल परीक्षण वगैरह भी कराया गया, और 25 आम से और 151 इसके साथ फरियादी को भी वहाँ जाकर पूछताछ करके फरियादी की तरफ से भी इसने 327 का मुकदमा दर्ज किया। आपने जैसे जानकारी लगाई कि कौन वो क्या है, तो इनका बैकग्राउंड क्या रहा, मतलब आपराधिक बैकग्राउंड क्या है? आपराधिक बैकग्राउंड के संबंध में ये थाना कसरावत और अलीराजपुर से अभी संपर्क किया गया, अभी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ली। चंद कदमों की दूरी पर जीआरपी और आरपीएफ का थाना है, फिर भी खौफ क्यों नहीं है ऐसे लोगों पर कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर भी चाकू निकाल लिए उस तरह से घटना? तत्काल आरपीएफ के स्टाफ और जीआरपी के द्वारा पहुंचकर तत्काल गंभीर घटना होने से बचाया गया इसको, और उनको तत्काल अरेस्ट कर लिया गया। सर एक क्वेश्चन ये है कि चूंकि वेस्टर्न रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन में आता है रतलाम, यहाँ पे क्या लगातार चेकिंग नहीं होती जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और इस प्रकार की घटना हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी कर रहे हैं, उसके बाद आरपीएफ की सहायता को लेकर आप लोग उनको पकड़ते हैं और उसके बाद पता लगता है कि उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये बड़ा जंक्शन है और काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, उस हिसाब से फिर भी आरपीएफ जीआरपी दोनों मिलकर पेट्रोलिंग और चेकिंग वगैरह करती है, और चेकिंग के दौरान अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है उस संबंध में भी कार्रवाई की जाती है, और आज भी मतलब गंभीर घटना ये हो सकती है, तो फिर भी आरपीएफ और जीआरपी ने मिलकर इसको दोनों को तत्काल पकड़ा। सर एक और मामला मैं पूछना चाहूँगा, सिटी पुलिस और आपका कोऑर्डिनेशन कितना है, क्योंकि रेलवे क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से सूचना आती रहती है कि सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है, और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, दो जुए पकड़े, बड़े जुए पकड़े जा रहे हैं, परंतु जीआरपी और आरपीएफ की तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। रतलाम सिटी पुलिस छोटी मोटी कार्रवाई तो करती है, थाना जीआरपी क्षेत्र में कई जगह सट्टे चल रहे हैं, ऐसा भी सूत्रों ने बताया कि क्लब भी चल रहे हैं, इस संदर्भ में आपके पास कोई जानकारी है? नहीं, इस संबंध में अभी फिलहाल जो कार्रवाई हुई, चूँकि औद्योगिक क्षेत्र स्टेशन रोड और जीआरपी की सीमाएं लगी रहती है, तो इसमें सामंजस्य करके भी कार्रवाई करते हैं, और हमारे द्वारा भी कार्रवाई इसमें की जाती है। रतलाम से तौफीक पठान की रिपोर्ट।